नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा थोरिया। देश में पहली बार महिलाओं की आबादी में इजाफा हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब हर 100 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। 2015-16 में यह आंकड़ा प्रति हजार पुरुषों पर 991 महिलाओं का था। आजादी के बाद ये भी पहली बार है जब पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आबादी 1000 के ऊपर पहुंची है। यही नहीं, जन्म के समय का लिंग अनुपात यानी कि जेंडर रेशियो भी सुधरा है। 2015-16 में ये प्रति 1000 बच्चों पर 919 बच्चियों का था। ताजा सर्वे में ये आंकड़ा प्रति हजार बच्चों पर 929 बच्चियों पर पहुंच गया है। खास बात ये है कि आबादी में लिंग अनुपात शहरों के बजाय गांवों में बेहतर है। गांवों में प्रति हजार पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं, जबकि शहरों में 985 महिलाएं ही हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के मुताबिक देश के 23 राज्य ऐसे हैं जहां प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की आबादी 1000 से ज्यादा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रति हजार पुरुषों पर 1017 महिलाएं हैं, बिहार में 1090, दिल्ली में 913, मध्य प्रदेश में 970, राजस्थान में 1009, छत्तीसगढ़ में 1015, महाराष्ट्र में 966, पंजाब में 938, हरियाणा में 926 और झारखंड में 1050 महिलाएं हैं। पहली बार देश में प्रजनन दर 2 पर आ गई है। 2015-16 में ये 2.2 थी। खास बात ये है कि 2.1 की प्रजनन दर को रिप्लेसमेंट मार्क माना जाता है, यानी अगर एक दंपत्ति 2 बच्चों को जन्म दे रहा है तो वो 2 बच्चे उन्हें रिप्लेस कर लेंगे। 2 से कम बच्चे पैदा करने का मतलब है कि आबादी कम होने की आशंका है। 2.1 की प्रजनन दर पर आबादी की वृद्धि स्थिर बनी रहती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।